Line in. Si piedi ai piedi, se te ne andiamo, scusami, pensavo che non vedere. Aspa, aspa, che vuoi, vuoi, vuoi. Ho trovato la tua vita. Ai zauri sapi, da shikwaro sapi, satar jar 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 Tuhan sungguh sahabat sekosong sahabat jenab lebat sahabat asal sah suli sahabat man padiar se amare manusia sahabat man sherpa sahabat man sherpa sahabat kuriya mojud dan bayi omi dosto sekandar dan tushu firman sahabat sahabat ये कोई कतरीन का मौका नहीं ना अपने जोश के बराबर तो किसी के सामने पेश करना है मैं सिर्फ तीन बातें करूंगा और प्रसार का काम करीब हो जाता है आज हम जिन लोगों की बरसी गई तो मौके पर यहाँ जमा हुए ये कोई आम लोग नहीं और जो जो वक्त गुजरता जाएगा ये तारीख का इंसाफ होता है कि ऐसे लोगों की अहमियत दुखद और बढ़ जाती है मास्टर साहब ने मुझे माइक देने से पहले एक बात देखिए इस्लामी नजरिया की बातें हमारा ईमान है और अब हमेशा उसे करते हैं माइक मुबारक दी मैं सिर्फ इतना आपसे पूछूंगा या कहूँगा या इल्म हासिल करना चाहूँगा कि खुदा ताला के पास किताब कोई चीज़ एक इबादत और दूसरी लोगों से सुलूक को करना अगर हम थोड़ी देर के लिए खिदमत को निकाल दें तो उस किताब में बचती है सिर्फ इबादत और अगर इबादत को ही वही दे दिया जाए तो आपका और मेरा ईमान है कि गुमराह फरिश्ते मलाइका अल्लाह ताला की इबादत करते तो अल्लाह ताला की इबादत गुमराह तो फरिश्ते भी कर रहे हैं फिर अगर हमने उस हिसाब से लोगों को मत 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 को निकाल दिया तो इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफी तो इससे हमारा हासिल कंक्लूजन क्या बनता है कि लोगों की खिदमत ही दरअसल वो जुज है जो इंसान को इंसान बनाता है वरना खुदा ताला को इबादत की जरूरत होती तो फरिश्ते दिन और रात अरबों की तादाद में उस इबादत में मशगूल हों शहीद बीबी अमीर मुस्तफ़ा और गनी ये ईदी और गनी से तो मुस्तफ़ा से छोटा था ईदी और गनी के रूप से छोटे मैं हमेशा रिसर्च में कहता हूँ कि इनसे मैंने बहुत बहुत सीखा बखुदा मेरी जिंदगी में तब्दीलियाँ आई आज आपको अल्फिया ही बयान करके स्टेज पर यहाँ बैठे हुए लोगों से मेरी जिंदगी में मेरे आदाद और अतवार में मेरे जिंदगी गुजारने के सलीके में मेरी सोच में मेरे नजरियात में मेरे अमल में ईदी शहीद और गनी के असरात हैं उसके बाद मेरी जिंदगी तब्दील हुई जरूरी नहीं कि बड़ा ही छोटे हो सकता है इन लोग से छोटे उम्र के लोगों ने वो दर्स और वो सबक छोड़ा कि जिससे हमारी जिंदगी में भी तब्दीलियाँ हुई वो दर्स और सबक क्या था मैं बखुदा हैरान हो जाता था जब कभी ईदी से बात कर करके मैं कहता था ईदी कभी तकते ही नहीं हुआ तो मुझे वो एक ही जवाब देता था ऐसा मानो जो कम करो वो केवल थको
बहुत सारी ऐसे मौजूदात और मौके आते थे जब मैं हैरान रह जाता था और फिर रीति से कहता था कि यार ये कम के थी जिसे अला करो थी जो पर ये मिलता ये मिलता निकलता अला खैर करो हिम्मत करो तो वो हो जाता। और मैंने कभी उसको रात को 3:30-4 बजे फोन किया तो उसकी आवाज में चाहे वो नींद से उठा हो तो बेजारी या ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि जिससे ऐसे लग रहा हो कि उसको किसी ने नींद से डिस्टर्ब किया है। वो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो हर आदमी के साथ इस तरह था कि वो हर घड़ी हर वक्त तैयार रहता था किसी खिदमत किसी मदद और किसी काम के लिए। मुझे नहीं अंदाजा हम समेत जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं खुशी में अपना जिक्र करूंगा कि हम शहीद रीति अभी जिसने आगे चलकर इन सारी चीजों से भी बड़ा एक काम किया कि अपनी जान का नजराना कर दिया। हम उसके मुताबिक उसकी गुजारी हुई जिंदगी के अशर अशीर पर भी कायम है, एक छोटे से ऐसे पर भी कायम है। आज आप देख रहे हैं हमारे इर्द-गिर्द हर शख्स नफसा नफसी में हर तमाम इम्तियाज साहब साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी जिला सेंट्रल के साबिक उनको खुशामदीद कहते हैं। तुम ये बात कर रहे थे कि अगर हम उनका अशीर भी अपना लेते तो मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा इतनी परेशानियों का शिकार ना होता। और मैं बार बार हर मकाम पर हर जलसे में हर स्टेज पर कहता हूँ कि ईदी जैसे गनी जैसे और मुस्तफा जैसे अगर एक दर्जन कारकुन भी किसी हलके में हो या किसी शहर में हो मैं कह सकता हूँ तो वहां पर हर शख्स की दादासी भी होगी और सारे काम भी होंगे। हमें सिर्फ सीधी की तारीफें हनी वचनी की तारीफें मुस्तफा की तारीफें तो करनी है लेकिन उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि आखिर ये लोग इतने अजीज क्यों थे। और एक शख्स का मैं अगर जिक्र ना करूं तो मैं समझता हूं वो लवाई के साथ और सबके साथ नाइंसाफी होगी। वो शहीद और मुस्तफा खास कैदी के वालिद मोहतरम जनाब सिकंदर खास कैदी को रूह अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। असल में ये उस शख्स की तालीमात थी जब मैं उससे मिला तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जब दीदी की शहादत पे हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे वो मुझे हौसला दे रहा। ये वो शख्स था जिसने मुझे एक बात बताई, वो बात आपसे शेयर करूंगा। शायद उसने और किसी से ये शेयर की हो नहीं हो, उसने कहा कि जब ईदी की शहादत हुई तो मैं बहुत गमजदा था, सारे ही गमजदा थे। उसने कहा कि आज ईदी है मेरा अधूरा काम पूरा किया। और वो इस तरह कि एक बार मैं शहीदों के काफिले में जख्मी हुआ था लेकिन मैं जान से नहीं गया था और भुट्टो की कुर्बानी मुझ पे वाजिब थी फर्ज थी कर्ज वो मेरे बेटे ने आज उतार दी वो मेरा कर्ज उतार दिया। बताओ जिसका बाप इतना अजीम हो और उसके ये ख्याल आते हो कि मेरे बेटे ने शहीद होकर मेरा कर्ज उतार दिया तो उसके बच्चे कितने अजीम होंगे। और जब दूसरी बात हमें दूसरा जख्म लगा मुस्तफा हमसे छीन लिया गया तो मैं ये सोच कर यहाँ आया कि आज इस बाप की शायद शायद दुनिया के दूसरे हम भी बाप है हमारी भी औलाद है शायद इस बाप की हिम्मत वो नहीं रही होगी। लेकिन बखुदा मैं हैरान रह गया कि उस शख्स को फिर भी हौसले और सब्र और बहादुरी का वो मकाम था कि जो मैंने शायद दुनिया के किसी बाप ने अपनी आंखों से नहीं देखा, किस्सों में सुना होगा कहानियों में सुना होगा लेकिन अपनी आंखों से अगर कोई मैंने हौसला मंद बहादुर और बर्दाश्त करने वाला वालिद अपनी औलाद के बारे में गम बर्दाश्त करने वाला वालिद देखा तो वो जनाब सिकंदर खास था। और ये घर जो आपके सामने है मेरे दाएं हाथ पे याद रखना इस घर की और गली वछानी साहब के घर जो हमारी पुष्प माजूट हुए बड़े कर्ज हैं हमें। आज हम अपनी चीजों में तो लगे हुए किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए कोई किस तरफ भाग रहा है किसी का मकसद कुछ है किसी का मकाम कुछ है नहीं। तो मेरे भाई भाई जिन चीजों के पीछे हम बात दौड़ कर रहे हैं ये जो मसले मसाले अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा लीडर समझते नहीं इसके पीछे शहदा का खून है। शेरा भी मुझे यहाँ बैठा हुआ नजर आ रहा था उसके दो भाई भी शहीद शेरा खास आप ऊपर आ जाओ शेरा
اس کے بھائی اعجاز اور شاہین بھی شہید ہیں. ہمارے بلدیا میں عامر بادشاہ سے لے کر ایک شہدا کی فہرست, ہم پتہ نہیں کس, میں خود اپنے آپ کو کہوں گا کس مسئلوں میں پڑے میرے بھائی. یہ آنے جانے والی چیزیں, یہ عہدے, یہ ٹھیکے, یہ پتہ نہیں کیا کیا, آپ دیکھو تو صحیح کہ اس پہ کتنے سہاگ گزرے ہوئے لکھے ہوئے, اس پہ کتنوں کے بچے چلے گئے, اور وہ بچے کتنے بہادر اور شاندار تھے, ان کی جوانیاں کتنی بہادر اور شاندار تھی, ان کا ہونا پورے علاقے کے لیے حوصلے کا باعث بنتا تھا. ان کے گھر والوں سے پوچھو جن کے غم کا ہم ایک حصہ بھی شیئر نہیں کر سکتے, اس کے بعد سوچو کہ آج ہم کیا کریں. اگر خدا کی قسم ان ساری چیزوں کا حساب کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچ لیا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو شاید ہمارا عمل بھی بدل جائے گا اور ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے. یہ میرا ایمان ہے. ایک لمحے کے لیے حقیقت میں ہمیں ان کی طرح سوچنا ہوگا, ان کے لیے سوچنا ہوگا, ان کا سوچنا ہوگا, ان کے گھر والوں کی طرح سوچنا ہوگا. یہ پارٹی کے, یہ نظریات کے, یہ عمل کے محل ان کی خون میں, ان کی لاشوں پہ پڑے ہیں. اور میں اسی لیے ہمیشہ میں نے کہا کہ ہماری زندگی میں ان شہدا نے بڑی تبدیلیاں لائی ہیں, لہذا ان کی قربانیوں کو سوچے بغیر اگر ہم آگے چلیں گے تو پھر صرف اور صرف مفاد پرست ٹولہ کہلائیں گے. اپنے آپ کو نمایاں کرنے والے خود ساختہ لیڈر کہلائیں گے, ورنہ کچھ بھی نہیں. کوئی ہم میں سے اتنا بڑا نہیں کہ شہید بی بی جتنا بڑا ہو, کوئی ہم میں سے اتنا بڑا ہی کہ عامر بادشاہ, اعجاز قریشی, غنی وچھانی, مصطفیٰ جیسا بڑا ہو, کوئی بھی نہیں. ایک اپنا کوئی مالی قربانی دینے کو تیار نہیں, لوگوں کے یہاں بچے قربان ہو. تو اس لیے اگر اس چیزوں کا کسی کو احساس نہیں, خدا کے واسطے وہ آسانی سے اندھیرے میں ہمارے پاس سے نکل جائے, اور اگر ان شہدا کا جس کو احساس ہے وہ ہمارے ساتھ رکے, کیونکہ ہم ہر مقام پہ, ہر اسٹیج پر, ہر جگہ پر ان شہدا کی قربانیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. میں نے جلسوں میں بھی کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, اس کے دروازے سب کے لیے کھلے گے, لیکن ان شہدا کے قتل جس کے ہاتھ میں ہوں گے ان کے لیے ہر کیس ہمارے پاس نہ کوئی جگہ تھی, نہ ہے اور نہ رہے گی. یہ یاد رکھیں کہ ہم اس شہدا کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے, کم از کم ان کا قرض نہیں اتار سکتے. تو ان قاتلوں کو تو بغیر نہ کرے گلے لگا, اتنے تو ہم ابھی گئے گزرے نہیں, اور ہم اس کے بغیر بھی نتائج جو بھی ہو, جدوجہد کا نتیجہ جو بھی ہو, ہم رائے عمل کے ساتھ ہی ہے. یہ جیت, یہ ہار, یہ اونچ, یہ نیچ ہم نے کئی دیکھی, یہ جیل, یہ کوڑے, یہ سزائیں ہم نے کئی دیکھی. اب ہم کو جیل سے کیا ڈر لگے گا, ہم اگر نیتی کا سوچے تو اس میں جان قربان کر دی, وہ شہادت کا جو سوچ ہے اس کو جیل سے ڈر لگتا ہے. اگر کوئی سکندر خاصیانی کا سوچے اس نے دو بچے قربان کر دیے تو اس کو کیا ڈر لگے گا دس کوڑے کھانے سے. بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں نظریات کیا ہیں, یہ نظریات اگر تم ان کی طرح سوچو گے تو تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا, ورنہ تو کسی کو تھپڑ لگنے سے بھی بہت ڈر لگے گا. اور جو اپنے آپ کو لیڈر بنائے, سمجھے, سوچے, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ لیڈرشپ, یہ پارٹی, یہ نظریات کس کی میراث ہے, کس کے گھر سے چلے. بہرحال میرے خیال میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, میں شاید تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مسئلے پر. ہمیشہ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان شہیدوں کی اس برسی میں شرکت کی, اور ہمارے مہمان مولانا محمد صادق صاحب کو ایک جگہ جانا تھا, وہ ہم سے اجازت دے کے جلد یہاں سے تشریف فرماؤ گے, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن پھر اس بات کے ساتھ رزاق بھائی, یدی بھائی کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ پھر ایک بات کرتا ہوں کہ پورا قافلہ, خاص کر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ پھول خیرات میں نہیں پائے, خون دے سر سر کیا ہے, تو بہار آئی ہے. یہ آسان کام نہیں میرے بھائی, یہ بہت مشکل کام ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.